साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आगामी 12 मई को वोट डाले जाने हैं, इसलिए पलवल जिले में सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होता है और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। उपायुक्त ने कहा कि जिन मतदाताओं की जन्म तिथि 12 मई है, ऐसे मतदाताओं की संख्या पलवल जिले में लगभग 402 के करीब है। ऐसे मतदाताओं को जागरूक किया गया है जो अपने मत का प्रयोग करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने वाले युवाओं को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। आज पंचायत भवन में जो कार्यक्रम हुआ वो मुख्य रूप से इसलिए है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा के वोट 12 मई को डाले जाने हैं, तो 12 मई को जिन मतदाताओं का जन्मदिन है और ऐसी मतदाताओं की संख्या पलवल जिले में 402 है, तो ऐसे 402 मतदाता जिनका जन्मदिन 12 मई को है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया कि आप अधिक से अधिक संख्या में न केवल अपना वोट डालें बल्कि अपने संपूर्ण परिवार का, अपने नाते दोस्त रिश्तेदारों का, दोस्तों का भी मताधिकार को मतदान करवाएं। इसके लिए हमारा प्रयास होगा कि ऐसे जागरूक मतदाता जो 12 मई को इस तरह वोट डालेंगे, दूसरों से भी डलवाएंगे, उनको हम न केवल सम्मानित करेंगे बल्कि सरप्राइज के रूप में गिफ्ट भी देंगे। थैंक यू। 12/5/2000 यानी कि 19 साल के हो जाओगे आप 12 मई को। आपका पहला मतदान होगा, वोट डालने के लिए जाओगे आप? जाएंगे। अच्छा, क्या आपके जहन में जब पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे आप तो क्या सोच रखा आपने? बीजेपी पे जाएगी वोट। अच्छा, बीजेपी पे जाएगी। आप बीजेपी को अच्छा किस लिए मानते हैं? अच्छा इसमें मानते जी, हमारे लिए बहुत अच्छा करा उसने, सब क्या बताऊं। 12 मई 1999 को आप पैदा हुई थी। कौन सा गांव है आपका? हाँ जी, तुमसरा। थोड़ा तेज बोलिएगा, तुमसरा। पहली बार वोट डालने के लिए आप जाएंगे 12 मई को, वोट तो करेंगे ना आप? हाँ, तो किस आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि वोट डालने के लिए किस पार्टी को वोट दूं? ऐसी कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है जिसके प्रति आपका? अच्छा, आपको बीजेपी अच्छी लगती है। देखिए, आज इलेक्शन कमीशन के हिदायत के अनुसार जिन व्यक्तियों का जन्मदिन 12 मई को है उन व्यक्तियों को आज यहाँ पे पंचायत भवन में माननीय अतिरिक्त उपायुक्त और उपायुक्त के द्वारा यहाँ पे आमंत्रित किया। हमारे जिले में कितने जो वोटर्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 12 मई को है? सूची के अनुसार जो इलेक्शन कमीशन ने भेजी है 402 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जिनका जो जन्मदिन है वो 12 मई। तो आज कितने लोगों ने भाग लिया पंचायत भवन में? देखिए, अभी तो आ ही रहे हैं और उम्मीद है कि सभी आए पाएंगे। हमने बीएलओ के माध्यम से उनका जो भी आज डीसी साहब ने आज क्या कहा उनको, मतदाताओं को क्या कहा आज? आज डीसी साहब ने उनको कहा कि भाई अपना जन्मदिन जो मनाए वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए, वोट देकर मनाए, और जो ये जन भागीदारी है हमारी इसमें जो उनका जन्मदिन है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने अपने घर के, अपने आस पड़ोस के और अपना स्वयं का वोट देकर अपना जन्मदिन मनाए। 12 मई को कौन सी ईयर कौन सा है, साल कौन सा है? 19 साल के आप हो गए हैं, तो आपका पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे आप 12 मई को, तो क्या विचार मन में आ रहा है कि किस पार्टी को मैं वोट करूं, कौन मेरा नेता अच्छा है, किस पार्टी की नीति अच्छी है? चलिए, आप पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वोट तो डाले जाएंगे ना? ठीक है। पहले कभी लोकसभा का वोट नहीं डाला है, राज्यसभा का वोट डाला है पहले भी। अच्छा, राज्यसभा नहीं मतलब विधानसभा का डाला? विधानसभा का। तो लोकसभा में जो पहली बार आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं, आपके आप यूथ हैं, क्या सोच है आपकी, किस पार्टी को वोट डालना चाहिए, कौन नेता अच्छा है, किस पार्टी की नीति अच्छी है? मुझे नरेंद्र मोदी से अलग कोई भी ऐसा बंदा नहीं लगता है कि जो अच्छी पार्टी से है और अच्छा बंदा है, तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूँ और कृष्ण पाल गुर्जर जो यहाँ से हैं हम उनके साथ हैं। क्या मन में फीलिंग्स है आपके पहली बार जब आप वोट डालने के लिए जाएंगे, तो क्या इस समय फीलिंग्स आ रही हैं कि कोई डर भय या कुछ वो तो नहीं है? नहीं। कौन सी पार्टी अच्छी है, किस पार्टी की नीति अच्छी है, क्या आपको इस बात का भी अंदाजा है? नहीं, बीजेपी है।
बीजेपी बीजेपी जी। अच्छा, बीजेपी आपको अच्छी लगती है? हाँ। क्या कारण है जो बीजेपी अच्छी लगती है? कोई एक बात बताइए जो बीजेपी अच्छी लगती है आपको। ये सब काम अच्छे कर रही है।